हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम में से हर एक व्यक्ति अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि अंग्रेजी बोलने के लिए ग्रामर के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको 10 ऐसे सेंटेंस बता रहा हूँ जिससे आप अपनी इंग्लिश को चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको कितने सेंटेंस आते हैं। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, उसका उत्तर आप बताइए। वे आए हैं, वे आए हैं, इसका क्या होता? इसका उत्तर होगा दोस्तों, दे हैव अराइव्ड। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में और अराइव का थर्ड फॉर्म हैव के साथ अराइव्ड। वे आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट का ये टेंस होगा। चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें आप ट्रांसलेशन कीजिए। ट्रांसलेशन करने से पहले आपके दिमाग में ये आएगा इसका रूल्स क्या है, ये कौन सा टेंस है, तभी आप उसको उसके रूल्स के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। इसका ट्रांसलेशन होगा, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इसी का ही एक सेंटेंस और ले लेते हैं। शिक्षक दो घंटे से पढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा, ये किसका है? वही जो ऊपर वाला ही टेंस है, सेम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन इसमें अब फॉर का यूज होगा। द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। ऊपर वाले में आपने देखा था आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, लेकिन यहाँ पर लगेगा द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तो सिंस और फॉर का यूज आपको पढ़ना होगा, तभी आप इसके बीच का अंतर समझ सकते हैं। चलिए अगले टेंस की तरफ चलते हैं। क्या मैं घर जा सकता हूँ? अब ध्यान दीजिएगा, क्या मैं घर जा सकता हूँ? चलिए आप ये बोल सकते हैं कैन आई गो होम, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट सेंटेंस है कुड आई गो होम, कुड आई गो होम। जी हाँ दोस्तों, नहीं सका, नहीं सकी, नहीं सके कहना चाहते हैं, तो कुड आपको यहाँ पर लगाना चाहेगा, क्योंकि इसमें सामर्थ्य प्रकट हो रहा है। जब किसी सेंटेंस में सामर्थ्य प्रकट होता है तो वहाँ पर हम कुड लगाते हैं। यहाँ पर तो क्या मैं घर जा सकता हूँ, कुड आई गो होम राइट सेंटेंस होगा। अगला सेंटेंस है, मेरे आभूषण किसने चुराए होंगे। जी, मेरे आभूषण किसने चुराए होंगे। अब ये ट्रांसलेशन किस टेंस का है? आप गे से लगाएंगे, होंगे से फ्यूचर का है, लेकिन आप इसको नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर माइट लगेगा, हु माइट हैव स्टोलन माई ऑर्नामेंट्स। जी हाँ दोस्तों, हु माइट हैव स्टोलन माई ऑर्नामेंट्स। ये माइट कब लगता है? जब कहीं पर कोई संभावना व्यक्त की जाती है, तब जाके ये माइट का यूज होता है। मे का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है माइट। तो यहाँ पर क्या होगा, हु माइट हैव स्टोलन माई ऑर्नामेंट्स। अगला है, मैं इस ड्राइंग प्रतियोगिता में भाग लेना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस ड्राइंग कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर आपने देखा कि आई वुड, WOULD, तो ये विल का सेकेंड फॉर्म कैसे लगा? आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस ड्राइंग कॉम्पिटिशन, यानी जो वुड होता है, वुड लाइक जो यूज होता है, उसमें हम जो है इच्छा करने के लिए, चाहने के लिए, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए हम जो है वुड लाइक लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस ड्राइंग कॉम्पिटिशन। अगला मेरा सेंटेंस है, वह सही उपचार करता था। बताइए क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, वह सही उपचार करता था। He used to treat correctly. अब used to का यूज कहाँ पे करते हैं? used to का प्रयोग जो है हम पास्ट टेंस में किसी ऐसी वर्ब को दर्शाने के लिए करते हैं जब उसमें समय की आदत व्यक्त की गई हो। इसमें समय की आदत व्यक्त की गई है, यानी वह सही उपचार करता था, उसकी आदत थी। तो यहाँ पर ही यूज्ड टू ट्रीट करेक्टली होगा। अगला, हर्षिता को झूठ बोलने की आदत है। बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, हर्षिता को झूठ बोलने की आदत है। तो यहाँ पर फिर वही आदत प्रकट हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा, अर्पिता इज यूज्ड टू लाइंग।
अर्पिता इज यूज्ड टू लाइंग, आर यूज्ड टू की जगह बिकम यूज्ड टू का भी प्रयोग किया जाता है। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, ट्रांसलेशन होगा यू नीड नॉट टू हैव गॉन देयर, यू नीड नॉट टू हैव गॉन देयर। अब यहां पर नीड नॉट हैव कहां पर लगता है? ये किसी प्रेजेंट सेंटेंस में या जो पास्ट में आप लगा रहे हो, तो जैसे कि कार्य करने की जरूरत नहीं है, या हम पास्ट टेंस में कार्य करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, तो यहाँ पर नीड नॉट हैव लगेगा, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर किसी चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं थी, तो यू नीड नॉट हैव, देखिए नीड नॉट हैव गॉन देयर, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट है, अब हमारा निकलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो 5 से 6 मिनट की हो गई है, तो हमारा निकलना अच्छा रहेगा, तो ट्रांसलेशन भी करिए इसका, क्या होगा? हमारा निकलना अच्छा रहेगा, अब हमारा निकलना ज्यादा अच्छा रहेगा, बताइए ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका ट्रांसलेशन होगा वी हैड बेटर लीव नाउ, वी हैड बेटर लीव नाउ, हैड बेटर, यहां पर जो वर्ब यूज हुई है, क्या ज्यादा ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, इस तरह के भाव जब हम व्यक्त करते हैं तो उसमें हैड बेटर लगाते हैं, तो यहां पर होगा वी हैड बेटर लीव नाउ। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 10 सेंटेंस, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हों और चैनल पर विभिन्न तरह की सब्जेक्टिव वीडियोस देखना चाहते हो, अपने बच्चों को होशियार बनाना चाहते हो, खुद को होशियार बनाना चाहते हो, इंग्लिश में इंप्रूव करना चाहते हो, मैथमेटिक्स में इंप्रूव करना चाहते हो, SST संस्कृत हिंदी किसी भी सब्जेक्ट में आप इंप्रूव करना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट चैनल है। TST नवीन बिष्ट को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।